इस क्लास में हम लोग सार्क के बारे में जानेंगे। सार्क बेसिकली एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण एशियाई का मतलब क्या होता है भाई? जो तो पहले तो एशिया होगा, तो ऐसे देश जो एशिया में है, और एशिया में भी जो दक्षिण में है। तो दक्षिण ऊपर को क्या कहते हैं? नॉर्थ, नीचे को साउथ, दाएं को कहते हैं ईस्ट और बाएं को वेस्ट। तो यह बेसिकली जो देश हैं सारे, ये बेसिकली देश जो है आठ देश का एक संगठन है सार्क, जो आठों देश जो है इसमें साउथ में आता है, दक्षिण में आता है। दक्षिण में आप देखिएगा सबसे नीचे क्या आता है? मालदीव। उसके बाद यहाँ श्रीलंका आएगा, यहाँ भारत आपका आ जाएगा, यहाँ इसके पाकिस्तान, इसके बगल में अफगानिस्तान, यहाँ आ जाएगा आपका नेपाल, इसी के बगल में भूटान और यहाँ बांग्लादेश। तो यह जो होता है एक संगठन है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ में है, एशिया में है, तो साउथ एशियन, और यह क्या है? संगठन है। तो एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ। सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को हुआ। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसमें टोटल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं। सार्क में टोटल 8 देश हैं, और इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। और जो कोई भी संगठन होगा तो कहीं ना कहीं उसका मुख्यालय होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल का राजधानी जो है काठमांडू, वहीं पर इसका मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय पूछता है तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू क्या है? राजधानी है नेपाल का। इस देश में एक नेपाल भी है, संगठन में उसका राजधानी काठमांडू है। अब कोई संगठन बनता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इस संगठन का क्या उद्देश्य है? सार्क का उद्देश्य है आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग। इस सार्क का उद्देश्य है कि यह देश आपस में एक दूसरे को आर्थिक और सांस्कृतिक क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। अब इस सार्क में 8 देश कौन कौन है, और उसकी राजधानी कहाँ है, और उसका मुद्रा क्या क्या चीज है? मतलब वहाँ का जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, उसका राजधानी कहाँ है, और उस सार्क के 8 देश कौन कौन से हैं, याद हो जाएगा यहीं पर, कोई भारी चीज नहीं है। देखिए, सबसे पहले श्रीलंका आता है। पहले आता नहीं है, मतलब पहले हम लिख दिए हैं, पहले कोई आ सकता है, संगठन है भाई, हम नाम याद कर रहे हैं। तो श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है। ये पाकिस्तान का तो नाम याद कीजिए, नहीं कीजिए, इसी तरह फेमस है, क्रिकेटर यहाँ का प्रधानमंत्री है। जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारते थे तो ये बॉल उठाने जाता था। चलिए देखिए, यहाँ श्रीलंका, अब इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है? श्रीमान आप भारत, बांग्लादेश और भूटान के बीच में मत बोलिए। सार्क के देश का याद करने का एक ट्रिक है कि श्रीमान आप भारत, बांग्लादेश, भूटान के बीच में मत बोलिए। श्रीमान आप भारत, बांग्लादेश, भूटान के बीच में मत बोलिए। तो श्री से क्या हो गया? श्रीलंका। मौ से क्या हो गया? मालदीव। नौ से क्या हो गया? नेपाल। आ से क्या हो गया? अफगानिस्तान। प से क्या हो गया? पाकिस्तान। और भारत, बांग्लादेश, भूटान, ये तो सब अपने तीनों मान के चलिए कि अपना ही है। अब श्रीलंका, श्री से हो गया श्रीलंका, म से हो गया मालदीव, न से हो गया नेपाल, अ से हो गया अफगानिस्तान, प से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भूटान। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है।
श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुरा, मालदीव का राजधानी माले, नेपाल का राजधानी काठमांडू, काठमांडू में ही क्या है सार्क का मुख्यालय है, काठमांडू में क्या है सार्क का मुख्यालय है। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, भारत में तो हम लोग रहबे करते हैं, इसका राजधानी नई दिल्ली आप जानबे करते हैं, बांग्लादेश ढाका, भूटान का थिम्पू। यह इस सारे सार्क देशों का जो राजधानी है, अब इस सारे सार्क देश में कौन कौन सा मुद्रा है, श्रीलंका में रुपया, श्रीलंका में क्या रुपया, अब रुपया इसके पहले वहाँ लगा दिया जाता है श्रीलंकाई रुपया, मालदीव में भी रुपया है लेकिन लिखा थोड़ा अलग जाता है रूफिया, रूफिया, यहाँ रुपया है रूफिया है, यहाँ मालदीव रुपया इसको कहा जाता है, यहाँ भी नेपाल में क्या है रुपया है, इसको नेपाली रुपया कहा जाता है, अफगानिस्तान में क्या है अफगानी, अफगानिस्तान का मुद्रा क्या नाम है अफगानी, पाकिस्तान का में क्या है यहाँ भी रुपया कहा जाता है, पाकिस्तान के रुपया को पाकिस्तानी रुपया कहा जाएगा, भारत के रुपया को भारतीय रुपया कहा जाएगा, बांग्लादेश का ढाका, सॉरी बांग्लादेश के रुपया का क्या नाम है ढाका, ढाका तो इसका राजधानी है, और भूटान के रुपया का क्या नाम है गुलट्रुम, याद करने के लिए यहाँ मुख्य रूप से दो ही देश का हम लोग याद करना चाहिए, चूंकि बाकी सब का रुपया ही है, मतलब सार्क में 8 देश है जिसमें से 6 का रुपया ही है मुद्रा, मात्र 2 ही है जिसको हम याद करेंगे, भूटान का क्या है गुलटुम और अफगान का क्या है अफगानी, तो अफगानिस्तान का अफगानी और भूटान का गुलटुम। एक बार हम लोग और तेजी से रिकॉल कर लेते हैं, सार्क क्या है, सार्क एक संगठन है किसका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 8 देश है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, इसका मुख्यालय काठमांडू है, इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग करना, इसका याद करने के लिए एक ट्रिक है आप लोग याद कर लीजिएगा, श्रीमान आप भारत बांग्लादेश और भूटान के बीच में मत बोलिए, श्रीमान आप भारत बांग्लादेश भूटान के बीच में मत बोलिए, श्रीमान आप भारत बांग्लादेश भूटान के बीच में मत बोलिए, श्रीलंका श्री से श्रीलंका हो गया, म से मालदीव हो गया, न से नेपाल हो गया, अ से अफगानिस्तान हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, भारत और बांग्लादेश और भूटान हो गया, श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुर, मालदीव का राजधानी माले, नेपाल का काठमांडू, अफगानिस्तान का काबुल, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, भारत का नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्पू, रुपया 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 अफगानी और रुपया 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 गुलट्रुम। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा सार्क के बारे में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग दूसरे संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे, धन्यवाद।